मकर संक्रांति देश का प्रमुख पर्व है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, इसलिए उसे उत्तरायण भी कहते हैं। आज इसी अवसर पर महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार के साथ मकर संक्रांति पर्व का आगाज हुआ है। कार्यक्रम में जिले के DM सहित छात्र छात्राएं और अधिकारी मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पर्व पर महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में जिले के DM मनोज कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आज ऐतिहासिक सूर्य मंदिर नमस्कार और पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत की गई है। महोबा जिले में 8वीं सदी में बना सूर्य मंदिर विश्व में दूसरा सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। इसे चंदेलकालीन शासक राहुल देव बर्मन ने बनवाया था। हिंदू मान्यताओं में मकर संक्रांति पर्व का बड़ा महत्व है, इसी को लेकर आज लोगों में पर्यटन के उद्देश्य से जागरूक करते हुए ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार और पतंगबाजी का आगाज किया गया है। हमारे SDM चरखारी श्वेता पांडे के द्वारा इस कार्य को प्रायोजित किया गया कि बच्चों को बेटियों को इकट्ठा करके यहाँ पर एक सूर्य नमस्कार किया जाए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और यहाँ पर सागर भी है और साथ में कुंड भगवान सूर्य का कुंड भी है। और क्योंकि ये प्रकाश भगवान सूर्य जो हैं वो प्रकाश के प्रतीक हैं और ब्रह्मांड में हर जगह चीज़ प्रकाशित है, कुछ दिखाई देती है कुछ नहीं देती है। तो उस परंपरा को जो राजा श्री राहिल देव द्वारा जो है 890 में इसको निर्माण किया गया था, उस ये भारत का दूसरा सूर्य मंदिर है। तो इसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ले जाया जाए और जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर जो है रोजगार के विभिन्न माध्यम आए और इस जिले को दुनिया में एक पहचान मिले, उस परिप्रेक्ष्य में इस कार्य को शुरू किया गया। बहुत सुंदर कार्य है। हमारे ADM साहब श्री जुबेर बेग द्वारा भी इसमें पूरी भूमिका अदा की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।